फ्रेंड्स, मैं हूँ जरताविया और ये है क्राफ्ट की दुनिया, जहाँ मैं और आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों को विजिट करते हैं और मजेदार क्राफ्ट के जरिए बाइबल की कहानियाँ सीखते हैं। आज मैं पाकिस्तान के कैपिटल शहर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आप सबको एक बहुत ही स्पेशल जगह पे लेकर जाने वाली हूँ। तो आए आज की लोकेशन को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शो जिसका नाम है क्राफ्ट की दुनिया। मैं यहाँ बहुत खूबसूरत जगह पे मौजूद हूँ जिसका नाम है पाकिस्तान मोनूमेंट। हम यहाँ पर बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें सीखने वाले हैं जिसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। हमारे मुल्क को आजाद करवाने के लिए जिन फेमस पर्सनालिटीज ने अपना किरदार अदा किया, ये जगह उनके एजाज के लिए बनाई गई है कि कैसे उनकी कुर्बानियों से हमारा मुल्क आजाद हुआ। तो उन पर्सनालिटीज के बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट, कितना खूबसूरत बना है ये सब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये इल्लामा इकबाल है। ये एक फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने गुलाम रियासत के लिए ख्वाब देखा, जिस ख्वाब की ताबीर है हमारा आज़ाद मुल्क पाकिस्तान। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और आज हम इस पाकिस्तान में आज़ादी के साथ रह रहे हैं। और वो है सामने फातिमा जिना। शी वॉज अ ग्रेट लीडर जिन्होंने औरतों की नुमाइंदगी की और मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के लिए ये अपने भाई जिना के साथ शाना बशाना खड़ी रही। क्या आप जानते हैं कायदे आजम कौन है? जी हाँ, ये वो फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाया और ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के पहले गवर्नर भी ठहरे। बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। कायदे आजम, आई सल्यूट यू। आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी पर। आपकी नज़र में आज़ादी है क्या? आज़ादी तो यही है ना कि हम पे किसी का कंट्रोल ना हो, हम गुलामी के साथ नहीं बल्कि आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारें, हमें पूरा इख्तियार हो अपने अच्छे बुरे के इंतखाब करने का। ये तो थी हमारे मुल्क की आज़ादी की बात। मैं आपको ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने हमें हकीकी आज़ादी बख्शी। वो है यीशु मसीह, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद करवा के हमें निजात बख्शी। खुदावन का ये मंसूबा अजल से ही था कि हमारी खातिर एक मुनज्जी पैदा हो जो हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद करवा के हमें निजात बख्शे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्टूडियो जहाँ पर हम बहुत सारा फन करने वाले हैं। लेट्स गो। वेलकम टू माय क्राफ्ट स्टेशन। और यहाँ पर हम बाइबल स्टोरी सीखते हैं और बहुत से फन क्राफ्ट्स भी बनाते हैं। दोस्तों, क्या आप सबको आज की थीम याद है? आज हम बात कर रहे थे फ्रीडम के बारे में और एक ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद करवाया। हमें ये तो पता है कि हमें निजात कैसे मिली, लेकिन उनकी पैदाइश के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और आज का क्लिप देखते हैं। छठे महीने के दौरान खुदा ने जिब्राइल फरिश्ते को गलील के एक कस्बे नासरत में भेजा। उसे एक कमारी औरत के पास भेजा गया था जिसकी मंगनी यूसुफ नामी शख्स से हुई थी, जो कि पाचा दाऊद की औलाद है। मैं जल्द शादी करने वाली हूँ। ओह, सलाम हो तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तुम्हारे साथ है। ये किस किस्म का सलाम है? खौफ ज़दा ना हो मरियम, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अजीम खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाप का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का इख्तिताम ना होगा। जब मैं कवारी हूँ तो ये कैसे हो सकता है? रूल कुछ की कुदरत तुझ पर साया करेगी और खुदा की ताकत तेरे साथ होगी, और इसलिए जो बेटा पैदा होगा वो पाक कहलाया जाएगा, खुदा का बेटा।
खुदा का बेटा? क्या तुझे अपनी अजीज एलिजाबेथ याद है, जिसको बांझ कहा जाता था? हाँ, एलिजाबेथ तो मेरी कजिन है। वो भी एक बेटे के साथ हामला है, अपने बुढ़ापे में भी, और अब वो छठे माह में है, क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। देखो, मैं खुदा की बंदी हूँ, जैसा कि आपने कहा है, ये मेरे लिए हो। और फिर मरियम और यूसुफ की शादी से पहले वो रूल खुद से हामला पाई गई। अब इसका शोहर यूसुफ एक अच्छा आदमी था, और चूंकि वो दुनिया की शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनना चाहता था, इसने इसे खुफिया तौर पर तलाक देने का फैसला किया। लेकिन जब वो इन चीज़ों पर गौर कर रहा था, खुदावन का एक फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई दिया। यूसुफ। क्या? दाऊद के बेटे। तुम कौन हो? मरियम को अपनी बीवी बनाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूल कुछ की कुदरत से है। वो एक लड़के को जन्म देगी, उसका नाम यसु होगा, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये तमाम चीज़ें होना ज़रूर हैं, क्योंकि खुदावंद ने जो नबियों की मार्फत फरमाया वो यही था। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और एक बेटे को जन्म देगी, और उसका नाम इमैनुअल होगा। इमैनुअल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। जब यूसुफ बेदार हुआ, उसने ऐसा ही किया जैसे कि रब के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, मैं यकीन नहीं कर सकता। अभी क्या हुआ? मरियम, मरियम! और इन दिनों में कैसर अगस्तस की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ कि तमाम सल्तनत की मर्दमशुमारी करवाई जाए। ये पहली मर्दमशुमारी इस वक्त हुई जब कुरिनियस शाम का गवर्नर था, लिहाजा हर कोई मर्दमशुमारी के लिए अपने अपने शहर गया। यूसुफ गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर गया, जिसे बैतल मक्दस कहा जाता है, क्योंकि वो दाऊद के घर और नस्ल का था। मरियम के साथ अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, जिससे उसकी मंगनी हुई थी और वो हामला थी। मरियम, हम यहाँ हैं। बैतलहम? और जब वो वहाँ मौजूद थे, वक्त आ गया कि उसकी औलाद हो। फिर उसने अपने पेलौठे बेटे को जन्म दिया, और उसने उसे मजबूती से कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया, क्योंकि उनके लिए कोई मेहमान खाना दस्तयाब नहीं था। और उसी इलाके में चरवाहे थे जो खेतों में रहते थे और रात को अपने रेवड़ पर निगाह रखते थे। तब खुदावन का एक फरिश्ता इनके सामने नमूदार हुआ, और खुदावन का जलाल इन पर चमक उठा, और वो बड़े खौफ से भर गए। लेकिन फरिश्ते ने इनसे कहा, डरो मत और खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम उसे कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और अचानक फरिश्ते के साथ आसमानी मेजबान की एक भीड़ खुदा की हम्द कर रही थी और कह रही थी, आसमान पर खुदावन की तमजीद हो और जमीन पर सुला जिनसे वो राजी है। जब फरिश्ते चले गए और आसमान पर वापस आए, तो चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, चलो बैतलहम को चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, जैसा खुदा ने हमें बताया है। वो जल्दी से गए और मरियम और यूसुफ दोनों को पाया, और बच्चा जो चरनी में पड़ा था। इन्हें देखने के बाद उन्होंने इस पैगाम की इत्तला दी जो इन्हें इस बच्चे के बारे में बताया गया था। हम मैदान में थे और खुदावन का एक फरिश्ता हम पे जाहिर हुआ और हमें बताया कि आज मसीह यहाँ बैतलहम में पैदा हुआ है, और ये निशान है कि वो कपड़े में लिपटा और चन्नी में लेटा हुआ पाओगे, और ये है वो दुनिया का निजात दहिंदा। और वो सब जिन्होंने ये सुना हैरान थे कि चरवाहों ने इनसे क्या कहा, लेकिन मरियम ने इन तमाम चीजों को अपने दिल में सोचते हुए महफूज किया। फिर चरवाहे वापस आए खुदावन की तमजीद करते हुए, और इन तमाम चीजों के लिए जो इन्होंने देखी और सुनी थी, जो इनके कहे जाने के मुताबिक थी। यीशु की बैतलहम में पैदाइश के बाद
बादशाह हेरोदीस के दिनों में मशरिक से मजूसी यरूशलम पहुंचे। वो कहाँ है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? कौन? किसका बादशाह? जब बादशाह हेरोदीस ने ये सुना तो वो बहुत परेशान हुआ और सारा यरूशलम भी। क्या क्या कहा तुमने? क्या यहूदियों का बादशाह? नहीं नहीं नहीं, यहूदियों का तो पहले से ही बादशाह है और वो मैं हूँ। सब ये जानते हैं कि ये मैं हूँ, हेरोदीस। मैं हूँ यहूदियों का बादशाह। ये सब झूठी बातें हैं कि कोई बादशाह पैदा हुआ है। क्योंकि हमने उसका सितारा आसमान में बुलंद देखा है, हम उसे सजदा करने आए हैं। तो ये बात है। चुनाचे उसने लोगों के तमाम सरदार काहिनों और कातबों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि ये मसीहा कहाँ पैदा हुआ है। मुझे जवाब चाहिए, ये बादशाह कहाँ पैदा होगा? यरूशलम में, यहूदा में। ये वो है जो नबियों ने उसकी मार्फत लिखा, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हकमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। आई आई, ये तो एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। लेकिन मुश्किलात के भी हल होते हैं। फिर हेरोदीस ने खुफिया तौर पर दानिशमंदों को बुलाया और इनसे सितारे के जाहिर होने का सही वक्त पूछा और फिर इन्हें बैतलहम भेजा। जाओ जाओ, हाँ जाओ, और उस नौमौलूद बच्चे को तलाश करो, और जब ढूंढ लो उसे तो मुझे उसके बारे में इत्तला करो, ताकि मैं भी जाऊं और उसको सजदा करूं। वो अपने रास्ते पर चले गए और देखो, वो सितारा जिन्हें उन्होंने आसमान पर तुलू होते देखा था इनके सामने चला गया, यहाँ तक कि वो इस जगह से ऊपर आ गया जहाँ बच्चा था। जब उन्होंने सितारे को देखा तो वो खुशी से मغلوب हो गए। घर में दाखिल होते ही उन्होंने बच्चे को मरियम इसकी माँ के साथ देखा और वो घुटनों के बल गिर गए और इसकी इबादत की। फिर अपने खजानों को खोलते हुए उन्होंने इसे तहाइफ, सोना और लुबान और मुर पेश किया। ये है वो मसीहा जो हम सबको गुनाहों और मौत से बचाएगा। और फिर ख्वाब में हेरोदीस के पास ना जाने की हिदायत पाकर वो दूसरे रास्ते से अपने मुल्क वापस आए। वेलकम बैक। वाओ, ये वाकई बहुत जबरदस्त स्टोरी थी और उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को देखते हुए मैं उस जगह के बारे में सोच रही थी जहाँ पर हमने विजिट किया और उन लोगों के बारे में जाना जो इस मुल्क की आजादी का हिस्सा बने, और ये सिर्फ एक ही का काम नहीं था बल्कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। इसी तरह आज की स्टोरी मसीह की पैदाइश में खुदावंद के बड़े हकीकी मंसूबे में एक ही नहीं बल्कि बहुत से लोग शामिल थे, जैसे कि मरियम, यूसुफ और मजूसी वगैरह। आज की स्टोरी में सबसे नुमाया निशान जो एक सितारा था, क्या आप सबको याद है उसका पीछा किस किसने किया? जी हाँ, तीन मजूसियों ने, और वो सितारा ठीक अस्तबल के ऊपर जाकर ठहरा जहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। तो क्यों ना इस स्टोरी को याद रखने के लिए अपने क्राफ्ट स्टेशन में एक अस्तबल बनाएं जो हमें खुदावन के बड़े मनसूबे को याद दिलाता रहेगा, जो हमारी हकीकी आजादी के लिए था और उस बड़े मनसूबे को यीशु मसीह ने पूरा किया। तो चलिए बढ़ते अपने क्राफ्ट की तरफ। अपना क्राफ्ट बनाने के लिए मुझे जो चीजें चाहिए, सबसे पहले है पॉपसिकल स्टिक। सबसे पहले मैं ये दो बड़ी स्टिक्स लूंगी और उसके बाद थोड़ी सी स्मॉल साइज की स्टिक्स लूंगी। और अब मैं एक मार्कर लूंगी और इसके साथ एक पेपर कटर और पेंट्स भी लूंगी कुछ, और कुछ पेंट ब्रशेस भी। अपने क्राफ्ट के लिए चीजें तो मैंने कंप्लीट कर ली और मेरा क्राफ्ट बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अपना क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दो स्टिक्स को हम वी शेप में रखेंगे। और फिर इन दो स्टिक्स को एक को राइट साइड पे और एक को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, और इसके बाद एक स्टिक इसके नीचे लगाएंगे
और अब हम इसे ग्लू के साथ पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले मैंने वी शेप में इसको पेस्ट किया और अब मैं राइट साइड वाली स्टिक को पेस्ट करूंगी। और उसके बाद अपनी लेफ्ट साइड वाली स्टिक को लगाऊंगी और फिर हम लास्ट में एक स्टिक को नीचे लगाएंगे। और ये हमारा असबल कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ दो बड़ी स्टिक्स लूंगी और इसके साथ मैं अपने करेक्टर्स बनाऊंगी। और इनको बनाने से पहले सबसे पहले मैं स्टिक को मिड में से कट करूंगी। अब मैं अपने सब करेक्टर्स को इस पे पेस्ट करूंगी। अब मुझे दो स्मॉल स्टिक्स चाहिए जिनसे मैं इनके आर्म्स बनाऊंगी। अब मैं इनके आर्म्स को ग्लू के साथ पेस्ट कर दूंगी। अब मैं इसमें कलर पेंट करूंगी। अब मैं ब्रश की हेल्प से अपने करेक्टर में पेंट करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम एंजल के करेक्टर में पेंट करेंगे। अब मैं मरियम के करेक्टर में पिंक कलर यूज करूंगी। अपने एंजल के कैरेक्टर में येलो कलर कर देती हूँ और यूसुफ के कैरेक्टर के लिए ब्लू कलर पेंट यूज करूंगी। अब मैं जीसस के कैरेक्टर में ब्राउन कलर यूज करूंगी। तो ये हमारा पेंट कंप्लीट हो गया। अब मैं मार्कर के साथ इनके फेस ड्रॉ करूंगी। तो फाइनली हमारा क्राफ्ट कंप्लीट हो गया। ओ, मैं अपने एंजल का क्राउन लगाना तो भूल ही गई। तो फाइनली मेरा क्राफ्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये क्राफ्ट पसंद आया होगा। तो आप भी इसे अपने घर में ट्राई करें और मुझे उसकी पिक्चर भेजें ताकि मैं सबके साथ उसे शेयर कर सकूँ। हमारी आज की स्टोरी का खास मकसद क्या था, क्या आप सबको वो याद है? जी हाँ, हमें हमारे गुनाहों से आजाद करवाना। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही खास था क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने कैसे मेरे गुनाहों को माफ़ किया। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें अपनी बादशाहत में शामिल कर सकें।
मैं अपनी आज़ादी को यीशु मसीह में रोज़ सेलिब्रेट करती हूँ, तो आपको भी चाहिए आप भी अपनी आज़ादी को रोज़ सेलिब्रेट किया करें। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में नई जगह, नई स्टोरी और नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।